नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। अशोकनगर में नवागंतुक कलेक्टर एवं एसपी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होकर आने वाले चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कलेक्टर महोदया प्रियंका दास एवं पुलिस अधीक्षक महोदय तरुण नायक द्वारा बताया गया कि जिसने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया उसे बख्शा नहीं जाएगा एवं सब कार्य नियम अनुसार होंगे। और चुनाव के समय में कोरोना का जो यह संकट चल रहा है, इसको देखते हुए कलेक्टर महोदय ने जानकारी देते हुए पत्रकारों से रूबरू होकर बताया कि मतदान स्थल पर कोरोना के संकट को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिनमें मतदाता एक एक करके वोट डालने जाएंगे, दूरी बनाए रखेंगे, मास्क लगाकर रखेंगे, मतदाता को मास्क वितरित किया जाएगा, ग्लव्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे और ग्लव्स एक हाथ के ही लिए रहेगा। जब मतदाता वोट डालेंगे, मशीन को छुएंगे तो संक्रमण ना फैले, इसलिए वोट डालते समय मतदाता ग्लव्स पहनेंगे, जिससे कि संक्रमण ना फैले और कोरोना वायरस से बचा जा सके। और बताया कि यदि किसी मतदाता को चुनाव से संबंधित कोई परेशानी है तो वह कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। हम कंट्रोल रूम के नंबर को हाईलाइट कर देंगे। एसपी तरुण नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले चुनाव की हमारी संपूर्ण तैयारी है, कुछ पुलिस बल बाहर से भी आ रहे हैं और यदि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए कलेक्टर प्रियंका दास एवं एसपी तरुण नायक ने जनता से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की है एवं मतदाता को संदेश दिया कि मतदाता निर्भीक होकर मतदान करे। पोल डे अरेंजमेंट्स में ये चीज़ बिल्कुल जिस चीज़ पे गौर किया गया है और ध्यान दिया गया है कि वोटर जो है बारी बारी से ही मतदान केंद्र में घुसेंगे। नहीं तो अमूमन ये होता था कि दो से तीन लोग ग्रुप के अंदर होते थे, प्रकोष्ठ के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर तो एक ही जाता था, लेकिन इस बार जो है उन्होंने इस चीज़ के लिए सख्ती की हुई है। दूसरा चीज़ है कि कोविड-19 के लिए जो हमारे पोलिंग पर्सनल है उनके खुद के सुरक्षा के लिए मैंडेटरीली कोई कुछ आइटम्स उनको दिया जा रहा है, जिसमें पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर जो है शामिल है, प्लस एक डस्टबिन, ताकि उसमें आफ्टर यूज जो है वो उसको प्रॉपरली उसको डिस्पोज कर सके। वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो ये तो हो गया, जो मतदान कर्मी है उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, जो मतदाता है उसके लिए ये व्यवस्था रहेगी कि सबसे पहले किसी के भी प्रवेश पे, जैसे हम लोग करते हैं थर्मल स्कैनिंग होगा, उसका टेम्परेचर देखा जाएगा, अगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो उसको अंदर प्रवेश दिया जाएगा वोटिंग के लिए। उसको दाई हाथ के लिए ग्लव्स दिया जाएगा ताकि टच, क्योंकि वो भी मशीन को छुएगा, हमारा मतदान कर्मी भी मशीन को छुएंगे, तो इसीलिए जो है उनको ग्लव्स दिया जा रहा है। उनको मशीन के यूज से पहले एवं बाद में दोनों बार उनको जो है सैनिटाइज किया जाएगा। बाएं हाथ के लिए ग्लव्स इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो अमिट स्याही जो है लगानी है, इसीलिए वो ग्लव्स लेफ्ट हैंड का ग्लव्स नहीं दिया जा रहा है। दूसरा चीज है कि अगर मान लीजिए जब थर्मल स्कैनिंग हमने किया, हमने पाया कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसके लिए जो है एक वेटिंग एरिया अलग से बना होगा, वहां पे उनको बिछाएंगे, क्योंकि कई बार धूप में बहुत देर खड़े रहने से या अन्य रीजंस की वजह से भी कई बार टेम्परेचर ज्यादा आ जाता है, तो उसको उनको जो है थोड़ी देर बिठाने के बाद दोबारा उनका टेम्परेचर लिया जाएगा। तब अगर नॉर्मल आया तो उनको वोटिंग करने देंगे। तब भी अगर उनका हाई आया, मतलब फीवर डिटेक्ट हुआ, तब ये निर्देश है कि उनको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो आखिरी 1 आवर में आके वेट करें। जब सारे मतदाताओं का हो जाएगा तब जो है उनको वोटिंग के लिए अलाउ किया जाए। तो इतने निर्देश जो है आयोग की तरफ से आए हैं। हाँ सर, चुनाव आने वाला है, इस चुनावी माहौल में कोरोना काल में आपकी क्या व्यवस्था है? यहाँ पे जिला अशोकनगर में 2 विधानसभाओं में चुनाव है, तो उसके लिए जो पुलिस की व्यवस्था है वो कर दी गई है और जो भी बाहर से बल वगैरह आना है वो लगातार आ रहा है और इसमें हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। चुनाव के लिए जो भी आवश्यक नाके हैं या मोबाइल पार्टियां हैं वो लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो पोलिंग बूथ पे बल रहेगा वो भी डिप्लॉय किया जा रहा है और सभी को प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ कि पूरी तरीके से आचार संहिता जो लगी है उसका पालन कराते हुए, और जो कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, उसमें अपनी सुरक्षा और इन जनरल जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। अभी पूरी तरीके से पुलिस फोर्स तैयार है और वो
प्रतिबद्ध है कि हम एक बढ़िया निष्पक्ष चुनाव यहाँ पे कराएंगे। किसी भी रूप में आचार संहिता का उल्लंघन पे जो भी कोई आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी भी रूप में उसका उल्लंघन टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सर, आपको जिले में चुनाव कराने का काफी अनुभव है, पिछली बार कुछ खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।